सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। देश के कई इलाकों से मस्जिदों में बवाल की खबरें आ रही हैं। इसी बीच सोनीपत के गांव सांदर कला में भी मस्जिद में नमाज अदा कर रहे नमाजियों पर गांव के ही कुछ शरारती युवकों ने हमला कर दिया और नमाज अदा कर रहे नमाजियों को गंभीर चोटें आई। इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है और इस तनाव के माहौल को कम करने के लिए गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक संगठन के लोगों ने भाग लिया और गांव वालों से अपील की कि गांव के भाईचारे को ना बिगड़ने दें और गांव में शांति का माहौल बनाए रखें। वहीं इस पंचायत में पहुंचे सर्व कर्मचारी संगठन के नेता सीलक राम मलिक का कहना है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण देखकर युवा इस तरह के कदम उठा रहे हैं और जिन युवाओं ने यह कदम उठाया है वे नाबालिग हैं और हम उन्हें शरारती और अन्य कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वे नासमझ हैं। विशेष समुदाय के पीड़ित लोगों से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई कि गांव में इस तरह का माहौल बना। सामाजिक संगठनों की आगे भी इस गांव को जरूरत पड़ेगी तो सामाजिक संगठन बढ़ चढ़ कर इस गांव में शांति का माहौल बनाने के लिए भाग लेंगे। गांव के माहौल में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पूरा गाँव की 36 बिरादरी इकट्ठी हुई थी और पंचायत में ये अपील करी थी अपने अभी गांव में माहौल जो दिखाया जा रहा है या मतलब वो हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सुख शांति है, भाईचारा कायम है, कोई ऐसी बात नहीं है और गांव के जो मौजूदा भी बैठ के इसको हम सुलझाने का पूरा प्रयत्न करें। क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिला जाएगा इसमें? है जी, मुस्लिम समुदाय के लोग वो साथ थे, वो भी साथ ही थे हमारे, वो दूर नहीं है, भाईचारा हमारा कायम। जो युवा हिरासत में लिए उनको लेकर? हाँ, उनको लेकर अभी गांव दोबारा फिर वो करेगा और उसके बाद हम इसकी वो बैठ कर विचार करेंगे। अच्छा, किसी अधिकारी से मिलोगे अभी इसको लेकर? नहीं, देखते हैं अभी, पहले तो गांव वो विचार करेगा उसके बाद फिर निर्णय लेंगे। कला गांव में एक हादसा कह लो उसको, एक घटना कह लो, दोनों समुदाय बड़े लंबे समय से मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे, कोई इनके आपस में रंजिश नहीं थी। कुछ नौजवान बच्चों ने सोशल मीडिया से आजकल जिस प्रकार का जहर घोला जा रहा है समाज के अंदर, नफरत पैदा की जा रही है, तो उन्होंने जा करके कुछ बच्चों ने बाकायदा, मैं शरारती तत्व भी नहीं उनको कहूँगा क्योंकि उन अनजान बच्चे, कोई 16 साल का, कोई 15 साल का, कोई 14 साल का, तो उन मुमडन भाइयों पर कुछ हमला कर दिया, उन्हें चोट लग गई, उनके भी चोट लग रही है। और अब ये फैसला हुआ कि भाई गाँव स्तर पर इस मामले को, क्योंकि हमारा लंबे समय से भाईचारा चला आ रहा था, लंबी चर्चा हुई है यहाँ चौपाट के अंदर, हम भी कर्मचारी संगठन की तरफ से आए हैं, ट्रेड यूनियन की तरफ से आए हैं, क्योंकि हम तो नारा लाऊं दुनिया भर के मजदूरों एक हो, हमारी कोई जात नहीं, कर्मचारी मजदूर भाई भाई, तो आपस में हम सारे भाई भाई हैं, तो इसलिए ये फैसला होया है कि भाई एक तो पीड़ित पक्ष का हम जानकारी लेंगे, उसकी जानकारी हमें मिल जाए कि किस प्रकार ये घटना क्यों हुई, ये नौबत क्यों आई इस तरह की घटना की। ये सुनने में रखिए, ये कहा गया कि यहाँ पर नमाज मत पढ़ो, इसीलिए कहा है इस वारदात को अंजाम? ऐसा तो नहीं आया यहाँ कि नमाज ना पढ़ो, कुछ बच्चों के मन में हो सकती है बात, जिस प्रकार से सोशल मीडिया एक्टिव हो रहा है ना आजकल और नफरत फैलाई जा रही है। आईटी अब क्या फैसला लिया कि उनसे मिला? ये फैसला लिया है कि उनसे मिलेंगे और इस मामले को गांव में भाईचारा बनाते हुए बाकायदा इसको यहीं सुलझाया जाएगा, ये तय हुआ है बाकायदा पंचायत में और इसका एक प्रयास भी किया जाएगा पुरजोर तरीके से। और हमने भी कहा कि हमारी भी सामाजिक संगठनों की कोई मदद की जरूरत हो तो हम आपके पास आधी रात आने को तैयार हैं।